अब मनीष की मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में अभी 5-6 दिन और रखेंगे। गणपति बाबा की कृपा से उन्होंने दूसरा जीवन प्राप्त किया है। और मैंने अपने बच्चों से कहा कि गणपति बाबा का विसर्जन बड़ी अच्छी धूमधाम से करना, ताकि उन्होंने कृपा से उन्हें दूसरा जीवन पाया है। और डॉक्टर लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक हो गई है, वो काफ़ी अब तो उसकी हालत में सुधार है। गणपति बाबा की जय। और मैं यहाँ इनका प्रोग्राम में मत्था टेकने आया हूँ, मैं वापस फिर जा रहा हूँ उन्हीं उसके पास अस्पताल में, क्योंकि पूजा को यहाँ आना है, पूजा वहीं पे है, इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरा ना रहना यहाँ पे, मैं प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, उस कारण मेरा ना रहना। हमारे प्रभु प्यार को उन्होंने उसको दूसरा जीवन दिया, इसी के लिए मैं प्रभु की बड़ी बड़ी मेहनत करता हूँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करता है सदा जीवन के लिए। जय जय गणपति है नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग उठे हैं 5 बजे के। ऊपर छत पे पानी वानी भर कर आए हैं, क्योंकि भाई सब बैठेंगे खाना बनाने के लिए, तो उनको पानी वानी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए अनमोल के पापा और मैं, क्योंकि सब्जी ला के रखनी, आके हमें पूजा भी करनी है, घर का काम भी करना है और ऑफिस भी जाना है, क्योंकि आज हाफ डे में आ जाएंगे अनमोल के पापा। तो फिर हाफ डे के बाद में फिर घर का काम संभालेंगे। तो जब तक हम करते हैं, चलो मार्केट जाते हैं और सब्जी वब्जी लेकर आते हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं हम लोग। तो बच्चे उठ गए हैं, बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चे स्कूल जाएंगे। अनुराग का यूटी है PVS का, तो चलिए चलते हैं मार्केट। सब लोग चल दिए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। हर चढ़े पूरी चढ़े
ये आरती मेरे सब्सक्राइबरों के लिए, गणपति बप्पा आपके सभी मनोकामना पूरी करे और सभी इच्छाओं को पूरा करे और आपके घर में खुशियाँ लाए। आप भी आरती देंगे A few moments later. तो देखो गाइस, मैं ऊपर आया था, हमारे ताऊ जी काम में लग गए हैं और प्रसाद बना रहे हैं, आलू की सब्जी। अभी आलू उबाल के छील लें और ये भैया भी आए हैं हमारे ताऊ जी के साथ। और आवाज़ आई रही होगी, जो पीछे बाबा लाए हैं उनका गीत भी चल रहा और नीचे भी गीत चल रहा, वो तो आप देख ही लोगे। अब थोड़ी देर में सब्जी बनेगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, ताऊ जी ने आधा काम पूरा कर दिया, ये ताऊ जी ने मसाला बना दिया है, अब आलू का काम हो जाएगा बस थोड़ी देर में। उसके बाद हेलो डैडी भी आ गए। अभी मैं डैडी के साथ सामान भी लेने गया था, बर्फ बर्फ, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक मिनट निकल जाओ, बज गए हैं 5:40 और हम सब रेडी हो चुके हैं और खाना भी बन गया है, भूख का खाना आ चुका है। और देखिए लाली कर रही है तैयारी, तो हम पूजा करेंगे और फिर चलते हैं, हम लाली को विदाई देते हैं, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद जब पूजा करेंगे। तो देखिए हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है और आप लोगों को एक बात बतानी थी मुझे, तो आज है मम्मी का बर्थडे, कि आज हमारी मम्मी हो गई 69 की, तो आज उनका हैप्पी बर्थडे। और हम उनके पास नहीं जा पाए उनको बर्थडे विश करने के लिए,
तो आज उनके बर्थडे के उसके आज हमारे घर में पवित्र त्यौहार हो रहा है पप्पा का, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। उनको ब्लॉग दिखाएंगे तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करा है हमने। तो अनमोल के पापा मम्मी का हैप्पी बर्थडे विश करो। आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी हॉस्पिटल में, कल मम्मी की छुट्टी भी हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी मम्मी, आज ही हो जाती पर मम्मी का कोई पेपर फंस गया, पेपर फंस गया थोड़ा सा बस डॉक्टर की वजह से, जिसकी वजह से उनकी छुट्टी नहीं हो पाई और हमें बड़ा दुख हुआ कि आज के दिन मम्मी नहीं आ पा रही। मम्मी की कल छुट्टी हो जाएगी, कल छुट्टी हो जाएगी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मम्मी कल आ जाएगी हमारे घर। तो चलिए करते हैं तैयारी। Yeah।
बंद कर दो, बंद कर दो, मम्मी मम्मी यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे मम्मी, ये हमारी लास्ट आरती बाबा की। मम्मी ये लीजिए हमारे सब्सक्राइबरों के लिए पप्पा की आखिरी आरती है, आप उनको आशीर्वाद लीजिए। पप्पा आप लोगों के घर में उधर है बेटा, ये टप लेके पहुंचोगे उसमें पानी भरना। हाँ तो अब बाबा को लेके चलेंगे ना, वहाँ से तैयारी कर ले। मैं इतना साउंड उठा लू, साउंड उठा लो, वहाँ पे एक झाड़ू सी लगा। अरे वहाँ मंदिर में रख के बजा लेंगे, वहाँ पे बच्चे नाच वाच लेंगे लोग। यहाँ पे लगा दो लाली दीदी, अच्छे से लगाओ ऐसे, यहाँ पे लगा दो। पांचों तारीख पांचों ऐसे ए ऐसे मत छेड़ो ड्रम को। भाई देख ठीक से बनाओ। ओके ओके चलो बेटे, तुम पहले स्पेस तो दो, से स्पेस दो थोड़ा सामने से ले, सामने से यहाँ से आगे से ले। अरे मम्मी ज्योति मेरे हाथ में लगी है। चल 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 गणपति बाबा मोरिया हटा दिए। देखो गाइस तो हम बाबा को लेके जा रहे हैं, खुशी से समझ गया मैं। आप हो चलो मेरे बाबा, बापा जी वो हटो हटो हटो, अनमोल मुझे सेंड कर दिए ठीक है। पटका वही उतार लिया हम लोग, क्या करने वाले बाबू, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से जिगर नहीं मिलेगी ना, मारेगी इधर इधर से, इधर से इधर से आपको सब मिल जाता है ना, कर लो आगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति तो ये टॉर्च कहाँ से जलेगी इसमें? हाँ साइड हो जाओ भाई पीछे से, खाली वाली में कर लेते हैं ना। अरे खाली में गुलाब का मेरे को।